नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आइए आपको ले चलते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पे। बोधगया बनेगा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बोधगया को आध्यात्मिक राजधानी बनाने हेतु काम करेगी। साथ ही भगवान बुद्ध ने जहां शरण लिया, जहां तपस्या की, उन स्थानों को 101.41 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी ही टिक पाएंगे। दरभंगा सरकार के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि सरकारी सेवा में रिजल्ट देने वाले एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारी ही टिक पाएंगे। काम ना करने वाले कर्मी को छांटकर उन्हें अनिवार्य रिटायर कर दिया जाएगा। भाजपा के भूपेंद्र यादव का बड़ा दावा। भाजपा के भूपेंद्र यादव ने यह दावा किया है कि बिहार में भाजपा के 32 लाख नए सदस्य बने हैं। भूपेंद्र सिंह यादव ने पार्टी की बैठक के दौरान कहा कि बिहार में 20 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, पर हमने 32 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया है। संपर्क टूटने पर वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते दिखे मोदी। चंद्रयान 2 के चांद पर उतरने से ठीक पहले संपर्क टूट जाने से निराश वैज्ञानिकों का प्रधानमंत्री मोदी ने हौसला बढ़ाया है। मोदी ने कहा कि आज भले ही कुछ रुकावटें हाथ लगी हों, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में फिर हुआ तबादला। बिहार पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। आईजी मुख्यालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने गया जिला बल में लगभग 1 दर्जन इंस्पेक्टर और दरोगा का तबादला किया है। सरकारी दफ्तरों में बिजली बचत की मुहिम छिड़ी। सरकारी दफ्तरों में अब मंत्री, अफसर या किसी अन्य कर्मी के आने के बाद ही कमरे में पंखे या एसी चलाए जाएंगे और इनके जाते ही सभी फैन, एसी, लाइट्स बंद कर दिए जाएंगे। बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर सभी विभाग में यह निर्देश जारी किया गया है। बिहार में बिजली विभाग पर इन्वेस्ट होंगे 41,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने औरंगाबाद जिले के नवीन नगर में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का उद्घाटन करते हुए बताया कि बिहार में बिजली विभाग पर 41,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। रवि किशन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अभिनेता से बने राजनेता रवि किशन मुंबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में भोजपुरी अस्मिता सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। यह भोजपुरी फिल्म जगत का सबसे बड़ा समारोह सम्मेलन होता है। सोनिया गांधी से मिले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कांग्रेस महासचिव सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना है। चंद्रयान मिशन पर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंद्रयान 2 के लैंडिंग के कुछ मिनट पहले संपर्क टूट जाने से इसरो का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि आपकी उपलब्धियों पर भारत को गर्व है। होमगार्ड बहाली का रास्ता हुआ साफ। बिहार में होमगार्ड बहाली शुरू होने जा रहा है। नवंबर तक होमगार्ड की बहाली हो जाएगी। चयनित अभ्यर्थी चुनाव के बावजूद नियुक्ति ना होने पर काफी परेशान है और अब इन्हें इस परेशानी से निजात मिल जाएगा। वहीं भागलपुर में 8 साल से बहाली प्रक्रिया लंबित है। 807 वाहनों से वसूले गए 8.5 लाख फाइन। न्यू ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के पश्चात यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 807 वाहनों से 8.5 लाख फाइन वसूले गए हैं। फाइन ना देने वाले 65 वाहनों को अपने नियंत्रण में लिया गया। बीज उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए बिहार आए कंपनियां। सीड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल राइस प्रोडक्शन के विषय पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित सेमिनार का उद्घाटन किया। यह सेमिनार इंडिया हैबिटेट सेंटर के इमली हॉल में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया था। मलिंगा ने रचा T20 वर्ल्ड कप में इतिहास। श्रीलंका में मलिंगा ने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। मलिंगा ऐसे पहले गेंदबाज है जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है। बिग बॉस 13 में सलमान के साथ झूमेंगी राखी सावंत। इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी वीडियोस के लिए चर्चा में रही राखी सावंत फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में राखी सावंत ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिग बॉस 13 में सलमान खान के साथ अपने गाने 56 छुरी पर डांस करने वाली हैं। रामविलास पासवान ने की मोदी की तारीफ। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने इसरो प्रमुख के सिवन के साथ प्रधानमंत्री के भावुक पल का एक वीडियो क्लिप भी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असली लीडर बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि संपर्क टूटने से वैज्ञानिक अपना हौसला ना खोए। पानी बचाने के लिए छोटी नदियों पर बनेंगे चेक डैम। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य में ग्राउंड वाटर और बारिश के पानी को बचाने की कोशिश तेज हो गई है। अब राज्य की सभी प्रमुख छोटी नदियों पर चेक डैम और वियर बनाई जाएंगी। खासकर पहाड़ी पठारी इलाकों में नदी, झरनों, नालों आदि पर ऐसी संरचनाएं बनाने पर जोर है। 1 माह तक लगेगी पोषण की कक्षा। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पूरे 1 महीने तक पोषण की कक्षाएं लगाई जाएंगी। इन कक्षाओं के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चों को स्वस्थ रहने के उपाय बताए जाएंगे, साथ ही साथ पोषण की अहम जानकारी भी दी जाएगी।
नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम पर लिया गया सांसदों का फीडबैक। बिहार प्रभारी सांसद भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में पटना में हुए भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर नेताओं से फीडबैक लिया गया है। साथ ही साथ आगामी चुनाव में पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने का भी संकल्प लिया गया है। लालू यादव से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। लालू यादव से मुलाकात करने रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा रांची के रिम्स पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद कुशवाहा ने बातचीत के दौरान बताया कि लालू यादव की सेहत ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए मैं उनसे मिलने रिम्स पहुंचा हूं। जदयू को नए चुनाव चिन्ह का मिला प्रस्ताव। जदयू ने चुनाव आयोग द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी को अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिए जाने के बाद झारखंड में किसान द्वारा ट्रैक्टर चलाने को अपने नए चुनाव चिन्ह के रूप में प्रस्ताव दिया है। अमरनाथ गामी पर जदयू के तेवर तल्ख। अपनी ही पार्टी के खिलाफ हुए नेता अमरनाथ गामी पर जदयू ने भी अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। जदयू नेता ने कहा है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति से बहुत ऊपर है। पेप्सी ने 62 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। हाजीपुर में पेप्सी की फ्रेंचाइजी लुम्बिनी बेवरेज कंपनी ने 62 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने बगैर कोई पूर्व नोटिस के वर्करों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मशहूर गायिका आशा दाई का जन्मदिन आज। मशहूर गायिका आशा भोसले का जन्म आज ही के दिन यानी 8 सितंबर 1933 को हुआ था। आशा भोसले को प्यार से लोग आशा ताई के नाम से जानते हैं। आशा ताई के दादी अम्मा मान जाओ से लेकर इन आंखों की मस्ती जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। आशा ताई को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जानते हैं आज के मौसम का हाल। औरंगाबाद, गया, फरबिसगंज, मधुबनी, मोतिहारी, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सुपौल और राजगीर में धूल भरी हवा चलने के साथ ही गर्जना और बारिश होने की संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।